लोग बेसिक टेंस के 12 स्ट्रक्चर पर आराम से वाक बनाना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर पर चर्चा करें तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, इससे लेकर के एक सामान्य वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, इसके 6 रूपों में बदलने के लिए भी सीखा था हम लोगों ने। जैसे वह एक कलाकार है तो क्या होगा यहाँ, ही इज एन आर्टिस्ट। अब यहाँ कलाकार हो, नेता हो, पागल हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, यहाँ हो, वहां हो, इस तरह से इसी तब रूप में हम लोग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। महान थे तो यू वेयर ग्रेट। वह सुंदर होगी, सी विल बी ब्यूटीफुल। वह सुंदर होगी, वह अच्छी होगी, वह मेहनती होगी, इस तरह से कोई भी बात रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग बना लेकर 6 रूपों में बदलने के लिए बेसिक टेंस का जब पूरा वीडियो दिए थे, आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। चौथा स्ट्रक्चर बार इस प्रश्न को हल करने वाला है, ही इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आने वाला जाने वाला का कोई भी बात होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या बाज बेयर या सेमी बिल्वी के साथ टू प्लस बी वन का प्रयोग करके हम लोग बहाने वाला है, बजाने वाला है, वह खेलने वाला है, वह बोलने वाला है, वह पढ़ने वाला हो, तो इस तरह से हम लोग उन वाक्यों का अनुवाद कर लेंगे। ये भी बेसिक टेंस में बताया हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ रिमेम्बर करवा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया है। ही वॉज टू सी यू स्टडे। वह कल आपसे मिलने वाला था। आप कल वहां जाने वाले होंगे, यू विल बी टू गो देयर टुमारो। कोई समस्या यहां भी नहीं आ रहा होगा। हम लोग ग्रामर सेक्शन के साथ साथ अनुवाद का भी वीडियो साथ साथ देता रहूंगा ताकि आप लोग ग्रामर का भी नॉलेज प्राप्त कर सके और अंग्रेजी अनुवाद करने का भी तरीका सीख जाए। साथ साथ हम लोग टेक्स्ट बुक पर भी बीच बीच में एक दो वीडियो डाल दूंगा लिटरेचर से संबंधित, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। अधिकार बताने के लिए भी हम लोग हैज हैव या हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग टेंस के अनुरूप करते हैं। समय होगा, उसके पास धन है, उसके पास घर है, उसके पास कार है, इस तरह का अगर वाक्यों का निर्माण करना हो तो इस तरह बनाएंगे। उसके पास ईमानदारी थी, ही हैड ऑनेस्टी। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उन लोगों के पास आराम होगा, ही विल हैव रेस्ट। रेस्टलेसनेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेचैनी होगी। मुझे इस काम को करना पड़ता है या करना पड़ा या करना है तो क्या होगा, आई हैव टू डू दिस वर्क। गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा था। गांधी हैड टू फाइट, जीएसटी फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश और द ब्रिटिशर्स भी हम लोग कर सकते हैं। भारत को इस मैच को जीतना होगा या पड़ेगा। ये बोलते हैं कि आज सचिन को शतक लगाना होगा, आज धोनी को मैच जीतना होगा, आज कोहली को अर्धशतक बनाना होगा, शतक बनाना होगा, 6 छक्का मारना होगा, इस तरह के वाक्यों को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इंडिया विल
have to win the match. ये बेसिक टेंस पर आधारित 12 भाग थे। अब हम लोग इसी के साथ मेन टेंस का 12 भाग, ये दोनों का वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ हम लोग रिवीजन के लिए वीडियो डालें। आइए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों अर्थात इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जैसे वह इस काम को आपके साथ करता है, लोग जानते हैं कि पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसके अनुसार वाक्य का अनुवाद होता है। तो पहले करता यहाँ पर हमारा ही है, ही के साथ इस काम को करना, तो ही डज दिस वर्क, वह इस काम को क्या है करता है, इस काम को करता है किसके साथ, विथ यू। कोई समस्या नहीं हो रहेगी। सुबह खाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह आपके साथ रोता है, वह आपके साथ खेलता है, वह आपके लिए पढ़ता है। इस तरह से क्या है हम और भी बाकियों का अनुवाद कर सकते हैं। रानी मोहनी के लिए खाना बना रही है, तो क्या होगा कंटिन्यूअस में है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ क्रिया का चौथा रूप के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं। तो रानी इज कुकिंग फॉर मोहनी। आप लोग जानते हैं कि नॉन कहीं भी रहेगा हमेशा कैपिटल लेटर के साथ रहता है। आप लोगों ने इस काम को समय पर किया है, आप लोगों ने इसे समय पर किया है, आप लोग वहां गए हैं, आप लोग ने उसे पीटा है, आप लोग इसको खरीदे हैं। इस तरह से बहुत सारे वाक्यों का हम लोग स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस आधार पर बनाते हैं। जैसे यू हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम। यहाँ वर्षा होती रही है, वर्षा हो रही है और वर्षा होती रही में बहुत अंतर है। ती रही है यदि किसी वाक में लगा रहेगा तो वह हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक है। यदि रहा रही है के साथ समय का प्रयोग हुआ रहेगा तो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक रहेगा। वर्षा होती रही है क्योंकि लंबे समय से हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग। दूसरा सुबह से बर्ताव वर्षा होती रही है तो क्या करेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। याद रखना है जो फिक्स होगी जो सिंगुलर होगी उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, जो प्लुरल होगा उसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉर्निंग एक ही है, एक ही बार में सुबह आती है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग रहता कई महीनों से, कई घंटों से, कई वर्षों से, तो हम लोग वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग पास्ट टेंस के चारों रूपों पर एक एक बात का अनुवाद का रिविजन करते हैं। आप लोगों ने उसे बुलाया या आप लोग उसे बुलाते हैं तो क्या होगा, यू कॉल्ड हिम। रानी आ रही थी तो क्या होगा, रानी वाज टीचिंग सीमा। आपने उसे बुलाया था या आप उसे बुला चुके थे, यू हैड कॉल्ड हिम। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद का आप लोग पहले भी वीडियो देख चुके हैं। सेम बनास्ती रही थी, सी हैड बीन डांसिंग, बिना समय का, समय के साथ हो जाएगा सी हैड बीन वीपिंग फॉर आवर। तो हम लोग देखेंगे वह कल यहां आएगा, ही
will come here tomorrow. कोई समस्या नहीं है, वह खेलता रहेगा. He will be playing. आप इस काम को कर चुकेंगे. You will have done this work. बिल्कुल आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग ये ऑलरेडी बना चुके हैं, सिर्फ आप लोग मिलान कर रहे हैं. वह रोती हुई रहेगी. She will have been weeping. वे लोग आप लोगों को सोमवार से पढ़ाते हुए रहेंगे. पास्ट और प्रेजेंट के वीडियो में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के जगह पर फ्रॉम और फॉर तो फॉर ही रहता है. तो ये बदलाव होती है, ध्यान में रखना है. दे विल हैव विन टीचिंग. यू फ्रॉम मंडे. यहां तक हम लोग बेसिक टेंस तथा मेन टेंस दोनों को 12-12 स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लिया है. यदि इसके बाद भी आप लोगों को समस्या हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग बेसिक टेंस और मेन टेंस का अलग अलग वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं. तो आप लोगों ने आज हमारे इस छोटे से प्रयास को देखा, समझा, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा हो शेयर. आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत